एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो होने वाला है ऑक्सबर्ग सिटी के ऊपर। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी साइकिलिंग हेलमेट पहना हुआ है। तो आज मैं इस सिटी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ साइकिल पर, और जो जो चीज़ें नई लगेंगी मुझे वो मैं आपको बताऊँगा। और इस पूरे शहर को जितना हो सकता है उतना घूमेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है यहाँ पर, ये पूरा शहर कैसा लगता है। तो मैं आ गया हूँ अभी एक बहुत ही खूबसूरत नदी के पास, और घर से कुछ ही दूर दूर है, शायद 1 या 2 किलोमीटर दूर होगी। तो यहाँ पे जैसा कि आज मौसम इतना अच्छा है तो यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पूरा ट्रैक है जो पीछे पहाड़ों तक जाता है, तो थोड़ा सा वो देखेंगे। बट फिलहाल के लिए देखते हैं वो जो नीचे डक्स स्विम कर रही हैं उनको, और अभी चलते हैं नीचे। तो हम बिल्कुल नदी के पास आ गए हैं, और यहाँ बहुत सारी डक्स हैं। यहाँ पे अगर आप कई बार शाम को आओगे तो यहाँ पर आपको लोग दिखेंगे इनको कुछ खिलाते हुए। यहाँ पे जब लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ पे बहुत बड़ी कोई स्वान थी, तो उसको भी लोग खिला रहे थे। तो ये रही डक्स। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि यहाँ पे लोग आते हैं और इनको कुछ खिलाते हैं, तो अभी जो दो लड़के नीचे पीछे बैठे हुए थे जो आपने देखा अभी, तो वो लोग भी टिफ़िन लाए थे और उनको कुछ खिला रहे थे। तो चलो थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये रोड जो सामने वाली है कहाँ तक जाती है। हम नीचे आ गए हैं, और नीचे एक बहुत ही प्यारा सा, मतलब बिल्कुल नदी के पास ही जाने का रास्ता है जहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं। तो थोड़ा और पास चलते हैं। ये मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नदी के पास। वाओ, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे ठंड नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत ठंड है और पानी बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर पर है। यहाँ पे आर्यन होता, शताक्षी होते तो बहुत मज़ा आता, क्योंकि आर्यन यहाँ पे पानी में ज़रूर खेलता, उसको भी बहुत पसंद है। यहाँ देखो दो लोग बैठे हुए आराम से, शांति से, बहुत ही प्यारी जगह है ये। तो जब मैं यहाँ कुछ दिन पहले आया था तो मुझे ये जगह बहुत खाली लगी, लेकिन अभी जैसे हम कुछ दिन पहले म्यूनिक गए तो वहाँ से आके मुझे जगह बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है। म्यूनिक में बहुत भीड़ है, मतलब वो ऐसा जैसे कि दिल्ली का चांदनी चौक, बहुत ज़्यादा लोग थे। यहाँ पे पीस है, यहाँ पे लोग आराम से घूम रहे हैं। इतनी प्यारी जगह है, इतनी अच्छी शांत नदी बह रही है, तो इसके किनारे आप घंटों आराम से बैठ सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है वो ये है कि यहाँ के लोगों को घूमना बहुत पसंद है, क्योंकि जब स्नोफॉल भी होती थी तो इन लोगों की लाइफ नहीं रुकती। और अभी मैं लगभग 4 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी लोग अंदर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, और स्पेशली जो ओल्ड एज लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। तो ये बहुत अच्छी बात है, और
जैसे कि ये नदी इतनी पास है तो ये अपने आप में एक लग्जरी है, क्योंकि कई बार लोग बहुत दूर से आते हैं ऐसी जगहों पे ट्रैक करने के लिए, और अगर आपके घर के पास ही ये है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है यहाँ पर। देखो लोग, जैसे मैं बोल रहा था, ये बहुत बूढ़े लोग हैं और ये इतने अंदर तक आ गए और अभी भी जा रहे हैं और अंदर। और मैं साइकिल पे होने के बाद भी सोच रहा हूँ कि अब वापस चलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अंदर आ गया, तो वो रही मेरी साइकिल और अब मैं जा रहा हूँ वापस। यहाँ पे मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी है कि ये आप देख रहे हो सामने ये ग्रीन फील्ड है और इसकी पूरी पूरी घास कटी हुई है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कहीं बहुत बड़ी घास है, कहीं छोटी घास है, पूरा ये फील्ड मेंटेन्ड है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी लगी है, क्योंकि आप देखो कि मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत बड़े बड़े फील्ड्स भी हैं बट वो भी मेंटेन्ड है। अब यहाँ पे लोग शायद उनको काटते होंगे मशीन से, बट अब देखो मेरे जो पीछे वाला फील्ड है वो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब वीडियो में उतना नहीं आ रहा होगा, एक्चुअल में उससे भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कहीं पर भी आपको अनइवन घास नहीं दिखेगी। तो ये पूरा जो लैंडस्केप है ये पूरा ही ऐसा है, और शायद इसीलिए मूवीज़ में इतना सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे पैदल चलना और साइकिलिंग अलाउड है, तो ये है साइकिलिंग ट्रैक। और एक चीज़ जो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ इतनी सफाई रहती कैसे है, उसका रीज़न है ये। तो ये बेसिकली एक बॉक्स है पेट्स के लिए कि अगर वो कुछ भी गंदा करें तो आप यहाँ से इसमें फिल कर सकते हो। तो ये पूरा ट्रैक जहाँ से मैं आया हूँ कहीं पर भी कोई भी गंदगी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने ये थोड़ी जगह पास पास इंस्टॉल किए हुए हैं, तो और यहाँ के लोग भी इतने अवेयर हैं कि वो वैसे गंदा नहीं करते। तो अब चलते हैं वापस, मैं थोड़ा ज़्यादा बाहर आ गया हूँ, और अब चलते हैं मेन शहर के अंदर और देखते हैं कि वो कैसा लगता है। यहाँ पे जो मैं एक चीज़ दिखा सकता हूँ वो ये है कि ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं रोड में बीच में, तो ये स्पेसिफिक सेक्शन है रोड क्रॉस करने के लिए। तो आप रोड वहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं बट करते नहीं है लोग। तो ये एक प्रॉपर डेडिकेटेड एरिया बनाया हुआ है जहाँ से आप रोड क्रॉस करते हैं। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है ऑक्सबर्ग का फुटबॉल ग्राउंड। मुझे लगता है कि मैं घूमते घूमते इनके किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे आप पीछे देखोगे टेनिस, फुटबॉल और बाकी पता नहीं क्या है। यहाँ पे जो मैंने देखा है कि वो ये है कि यहाँ पे जो बोर्ड्स पे इंग्लिश में नहीं लिखा रहता, यहाँ पे इन्हीं की लैंग्वेज में लिखा रहता है, जैसे कि इंडिया या बाकी और कंट्रीज़ में भी उनकी लोकल लैंग्वेज में लिखा रहता है और इंग्लिश में भी लिखा रहता है, बट यहाँ इंग्लिश में नहीं है। तो यहाँ समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अगर आपको जर्मन नहीं आती है। तो मैं आया उस वाली साइड से था, वो जो दूसरी साइड है, और अभी मैं इस साइड को भी एक्सप्लोर करने के लिए दूसरी साइड से जा रहा हूँ। मैं रिवर साइड से लगा गया हूँ और मैं आया हूँ एक और बहुत ही सुंदर जगह, और अगर मैं कैमरा थोड़ा सा पीछे घुमाऊंगा तो आपको दिखेंगे बारहसिंगा और हिरन। तो यहाँ बहुत सारे ये हिरन बैठे हुए हैं, हिरन जैसे लग रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर ये कोई और ब्रीड हो, बट बारहसिंगा तो है वहाँ पे उधर। तो ये बहुत बड़ा फार्म है और यहाँ पे ये बहुत सारे हैं, और जो सामने अगर आप देखोगे ये वाला, ये मुझे ही देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ये मैं लास्ट टाइम जब यहाँ आया था तो उस दिन स्नोफॉल हो रही थी, तो ये बेचारे सारे अंदर थे, हार्डली एक या दो थे बाहर। बट आज जैसे कि इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, आज सुबह से बहुत अच्छी धूप है, तो आज ये मैक्सिमम सारे के सारे बाहर हैं। सो अभी मैं आ रहा था तो मुझे एक चीज़ दिखी, यहाँ पे एक कोई आ रहा है, उसमें पूछता हूँ कि वो क्या है। हेलो, सो डू यू नो व्हाट दैट इज? Yeah, for sure. It's because that's a field where people grow flowers, or like, yeah, the people
this field, and other people can come in like spring or summer or yeah, like, and grab flowers from there. And normally there aren't people who like, yeah, you can give the money to. So okay. There's this barrel where you can put your money in and pay for the flowers, and yeah. All right, thank you so much. You're welcome. तो ये जो है ये बेसिकली उसने क्या बताया कि यहाँ पे जब फ्लावर्स होते हैं तो लोग यहाँ पर आते हैं, फूल खुद तोड़ते हैं, यहाँ पर रखते हैं और अपने कॉइन्स यहाँ पे डाल देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर लेबर की ऑब्वियसली कमी है, इंडिया जैसे तो नहीं है, तो यहाँ पे हर समय लोग नहीं होते कि जो आएंगे और आपसे पैसे लेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर ये सिलेंडर रखा हुआ है और इसी में लोग बस पैसे डाल के चले जाते हैं। और यहाँ पे एटलीस्ट इतनी ऑनेस्टी है कि लोग बिलीव करते हैं कि अगर किसी ने लिए हैं फ्लावर्स तो वो पैसे भी डालेंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा मैं इतनी देर से साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने जब से आया हूँ हार्डली एक या दो ही बाइक्स देखी हैं रोड पर, मोस्टली कार्स हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बाइक भी देखी हैं वो भी घरों के बाहर ही देखी हैं, तो किसी को भी मैंने यहाँ पर टू व्हीलर चलाते हुए नहीं देखा। मे बी शायद यहाँ पे ठंड है या पता नहीं क्या और रीज़न है, बट यहाँ टू व्हीलर है नहीं, बहुत ही कम है, अगर होंगे भी तो रोड पे तो दिखते नहीं एटलीस्ट। ये ट्रैम है जो ऑक्सबर्ग में चलती है अंदर पूरी सिटी में, और रोड्स पर ही इनकी भी लाइन है। अभी रेड लाइट है और ग्रीन होते ही चलना है। यहाँ पे लोग सिग्नल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, आप देखो इतनी दूर गाड़ी खड़ी हुई है बट फिर भी वो क्रॉस नहीं कर रही, ग्रीन होने पर ही क्रॉस करती है। तो ये वो बेकरी है जहाँ पे कुछ दिन पहले हम ब्रेकफास्ट के लिए आए थे, और अब मैं जा रहा हूँ वापस घर की तरफ। यहाँ पर हर रोड पे ये साइंस होते हैं, जैसे कि ऊपर आप देख रहे हो 30, इसका मतलब इस रोड की जो स्पीड लिमिट है वो 30 है, और यहाँ पर मोस्टली इनको लोग एक्चुअली फॉलो भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस बोर्ड लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चलान है वो बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आ गया हूँ अंदर एक कॉलोनी में, जिससे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे घर कैसे होते हैं। तो ये इंडिविजुअल हाउसेज हैं जो आप मेरी लेफ्ट साइड देख रहे हो, और थोड़ा सा आगे जाके जो येलो वाला घर दिख रहा है वो है रो हाउसेस, जहाँ पे विद इन रो मल्टीपल हाउसेज होते हैं। तो ये हैं रो हाउसेस। और यहाँ पर जो एक और चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि यहाँ पर मोस्टली जितनी भी रोड्स हैं उन सभी में कार्स बाहर खड़ी होती हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे जो एवरेज कार्स हैं पर पर्सन वो हैं ऑलमोस्ट 2। तो इसलिए बेसमेंट होने के बावजूद यहाँ पर लोग अपनी कार्स बाहर पार्क कर देते हैं, क्योंकि बाहर है कार पार्किंग फ्री और बेसमेंट के चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी गली में चले जाओ, हर एक गली में आपको कार्स ही कार्स दिखेंगे, बट सरप्राइजिंगली उसके बाद भी गली में लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि सब लोग मोस्टली अंदर ही रहते हैं, और भले ही रोड्स फुल हों, और जैसे कि आप देख रहे हैं इतने सारे घर हैं मेरे चारों तरफ, कार्स ही कार्स हैं अगर मैं मेन रोड पर जाऊँ तो, बट उसके बाद भी रोड पर कोई है नहीं। ये देखो कार्स, ये देखो कितनी सारी कार्स हैं, बट रोड पे हार्डली एक या दो लोग। और अभी मैं घर पहुंच गया हूँ, सो इस वीडियो को आज ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा ऑक्सबर्ग का टूर मेरे साथ अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय।